बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बीजो साहब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। बीजो साहब, आज मैं मकरोनी बनाने वाली हूँ। ये दो पैकेट मकरोनी, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, टमाटर और बोनलेस मुर्गी, प्याज, मसाला, गाजरें नहीं मिली हैं, बस सोचा कि गुजारा ही कर लेंगे। तो अब मैं इंशाल्लाह इन्हें बनाने वाली हूँ। तो पहले महंगे मकरोनी उबालने के लिए, मकरोनी अब मैं इसे उबालूँगी। उबाल के तो फिर मैं दूसरा मसाला बनाने लगी हूँ। बस मैंने ये ऑयल चूल्हे पे चढ़ा दिया, इसमें मैं अब ये कटा हुआ प्याज ऐड करती हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने उबालने के लिए मकरोनी रख दी है, हल्का सा ये प्याज हो जाए फिर मैं इसमें दूसरी सब्ज़ी ऐड करूँगी। मुझे हल्का सा प्याज हो चुका है, आप इसमें मैं ये बोनलेस डालती हूँ मुर्गी। मैं टमाटर भी ऐड कर दूंगी। सब शिमला मिर्च भी ऐड कर दूंगी, वो भी थोड़ा ठहर के डाल दूंगी। मसाला भी ऐड कर दिया मैंने। ये गोभी भी मैंने ऐड कर दी है, गोभी थोड़ी सी और भी है। गोभी थोड़ी सी और भी कटी हुई थी मैंने डाल दी है। अब थोड़ी देर मैं इसे भूनूंगी, दो तीन मिनट के लिए। बस मकरोनी उबल चुकी है, अब इसे भी मैं सब्ज़ी में ऐड करती हूँ। बस ये इसे मैं मिक्स करूँ, इंशाल्लाह मकरोनी सब्ज़ी दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। चिली सॉस मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये सब मैं ये चिली सॉस डालने लगी हूँ। सॉरी, ये मैंने सोया सॉस ऐड किया है। अब मैं थोड़ा सा केचप भी डालूँगी। बहुत करारी सी खुशबू आ रही है इससे। मेरी मकरोनी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत करारी सी खुशबू आ रही है, मज़े की लग रही है, लेकिन आप खाएंगे तो फिर तो पता चलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। आपका बेल का बटन दबाने से हमें बहुत सहारा मिलता है और मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो आपको टाइम पे मिलेगी। आप जहाँ भी हैं, खुश रहें, खुशहाल रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।